हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदीज किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज चलिए बनाते हैं अब यम्मी टेस्टी कोको मलाई पनीर। एकदम डिफरेंट रेसिपी है, न्यू रेसिपी है और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, सुपर टेस्टी रेसिपी है। तो पहले मैंने ले लिया है फुल क्रीम पनीर 200 ग्राम। अब मैंने उसमें मिला दिया है 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और पनीर को मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। आप देख सकते हो ये फुल क्रीम पनीर है। अब मैं इसमें मिलाऊंगी ये थोड़ा सा नमक 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून, क्योंकि पनीर का अपना खुद टेस्ट नहीं होता है तो इसमें हम थोड़ा टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम रेडी करेंगे इसका मसाला। तो मसाले के लिए हम क्या करेंगे, हम ले रहे हैं 4 आलमंड मैंने या बादाम, मैंने 4 ही लिया है, ये काफ़ी है। इसके जगह आप काजू भी ले सकते हो। अगर आप काजू ले रहे हैं तो आप 5 से 6 काजू ले लीजिएगा। और इसको पहले हम इसका पाउडर बना लेंगे। और मेरे पास जो पोस्तो दाना या खसखस पेस्ट पहले से बना हुआ था तो मैं उसको डाल दिया 1 टेबल स्पून। और अगर आपके पास पोस्तो दाना का पेस्ट नहीं है तो आप खसखस 1 टीस्पून डालना। और ये देखिए, ये है मेन चीज़ हमारा मलाई। और ये नारियल का जो ग्रीन कोकोनट है उसी का जो अंदर जो जब कोकोनट तभी तभी पका वही मलाई। और दही डाल दिया मैंने 2 टेबलस्पून और एक पेस्ट बना लिया। तो वो नारियल का मलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिला दिया और फिर एक बार मिला दूंगी। साथ में थोड़ा हरी मिर्च डाल दिया मैंने 8 से 10, थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें तीखापन कम हो जाता है। अब मैंने बटर डाल दिया है 1 टेबलस्पून और पनीर को मैं शैलो फ्राई कर लूँगी 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में। जस्ट ये जो मसाला मैंने डाला है वो पनीर में लग जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए इसीलिए। तो 2 मिनट बाद हम पनीर को ऊपर अलग रख देंगे। और मैं इसमें खड़ी मसाले डाल दिया, लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची, और जो मसाला हमने मिक्स किया था वो भी डाल दिया बटर में। और इसमें हम थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया है, वाइट ऑयल हमने ऐड किया है 3 टेबलस्पून। अब मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया, डाल दिया नमक 1 टीस्पून और चीनी 2 टीस्पून। अब फिर से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार डालना। अब तेज़पत्ता डाल दिया, मीडियम फ्लेम में मैं इसको कुक करूँगी 10 मिनट के लिए। अब मैंने डाल दिया है दूध 1 कप और दूध के साथ मैं फिर से इसको पकाऊंगी लो फ्लेम में और 10 मिनट के लिए। तो बस ग्रेवी जो हमारा है ये धीरे धीरे पकेगा तभी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। अब छोटी इलायची पाउडर और दालचीनी पाउडर मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून। अब फिर से मिक्स कर दिया, जो हमारा पनीर रेडी था वो मैंने डाल दिया। अब पनीर के साथ फिर हम इस ग्रेवी को करेंगे 5 मिनट के लिए। अब रेडी है हमारे यम्मी टेस्टी कोको मलाई पनीर। तो ज़रूर घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा।